फुल कलाकार हो आप। नहीं नहीं यार ये सब बंद बोलो। है गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो फाइनली अब भी बज रहे दिन के 12, तो अभी ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। और मैं अभी अपने इस समय अपने गांव में हूँ और लोंडे देखो तेरे इधर ये लोंडे जो जितने भी है ना ये मतलब मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, मजाक उड़ा रहे मेरी क्योंकि आप ब्लॉग किसी को पता है नहीं एक्चुअली किसे कहते हैं, तो ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वो दिखाता हूँ मैं आप क्वालिटी सही नहीं आ रही, तो इतने इधर लोंडे ये भी हैं जितने मतलब सब मजाक उड़ा रहे हैं। पे मतलब वीडियो में बनाता ना आधे से ज्यादा तो मजाक उड़ाते कि ये कर क्या रहा है, बट इनको कुछ पता ही नहीं है। पता है कुछ बस रील्स बनाते रील्स इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे रील बनाते, बाकी इनको कुछ पता नहीं है, सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है इनको। देखो देख रहे हो कैसा ये इनको शर्म ही इतनी आ रही जैसे नई दुल्हन हो, जैसे नई दुल्हन नहीं शर्माती वैसे। अभी तो मैं अपने घर के बाहर हूँ जस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे चाचा का मतलब घर है ना मतलब जगह है, तो वहाँ पे मैं खड़े हैं और बारिश वाला मौसम हो रखा है। देखो गाइस पूरा बादल कर रखा है एकदम मस्त वाला, और इधर अपना भाई है तो उसको तो जानते हैं आप सब, और इधर की तरफ एकदम ऐसा शानदार व्यू है, और एंड इधर तो हमारा जैसा गाँव है, और गाँव में ये तो आम बात है देखने के लिए मिल जाएगा, गाँव में तो आप समझते हो फिर। और इधर खेत ऊत है, और वहाँ पर ये हमारे चाचा की ईंटें थोड़ी बहुत लगी हुई है बस कुछ ऐसे। और ये तो रोड भी मतलब वहाँ का प्रधान जो गाइस है ना रोड भी नहीं बनाता, बस तोड़ फोड़ के ऐसे ही छोड़ देता है, बस बोर्ड मांगने आ जाता है, बोर्ड चाहिए हमें। जैसे प्रधानी इलेक्शन होता है ना तब गाइस ये एक दिन में कम 70 चक्कर लेंगे, हमें बोर्ड चाहिए बोर्ड चाहिए, नहीं भी हमारा बना हुआ फिर बोलते हैं आपका बोर्ड बना है, हम बाहर रहते ना तो वहाँ से किराया ठोक के बोलते थे भैया हमें तो पैसे भी देंगे बस बोर्ड दो, हमें अब क्या आना बोर्ड लेने फिर बताएंगे तुम्हें। तो वैसे मजाक यार सच में यार ना मतलब कोई सुविधा ही नहीं हमारे लिए यार, देखना एकदम टूटा फूटा है, देखो गिट्टी कितनी सारी है बस। और वहाँ पे उधर मस्त बनाया मतलब दिखावे के लिए, बाकी अंदर तो वैसे सारा टूटा फूटा ही पड़ा है बस कुछ ऐसा। और वहाँ पे मतलब कबाड़ उबाड़ डालते जितने गाँव के बंदे हैं, बस देखो कितना सारा कबाड़ है लाइन से, अब गाँव का तो पता ही है फिर आपको। अभी देखो मैं कहाँ बैठा मस्त मतलब देखो ऐसे जो बांस का ना ऐसा बना हुआ है, और मतलब ठंडी ठंडी वाइफ आ रही एकदम, और बारिश हो रही है और ठंडा ठंडा मौसम है और हवा चल रही है बस। ये मतलब पता क्या है ये सब बांस का बना हुआ है, और घर टाप का है देखो, देखा इधर कपड़े उपड़े जो भी है घर ही टाप का है, और नीचे हमारे जो कमरे हैं और ऐसा, और बारिश मतलब बूंदी पड़ रही धीरे धीरे, और ये हमारी दादी फाइनली गए, ये दादी है हमारी देखो, ये दादी है हमारी, और थोड़ा थोड़ा मतलब बूंदी पड़ रही है और कहाँ बोलो कुछ। अच्छा बोला ये कितने साल की होंगी मतलब हमारी दादी का, इस कमेंट करके आप जरा बताना ठीक है, कमेंट करना दादी आप कितने साल की हो सकती हो बताओ। कितने साल की उम्र कितनी होगी आपकी? 60। 60 साल की हैं, स्विम डॉलर डाल लेती? हाँ मतलब जो सुई होती है ना उसमें धागा डालना पड़ता ना, तो धागा डाल लेती अभी भी मतलब 60 नहीं होगी ज़्यादा होगी, तो ऐसे मतलब दादी हमारी 60 साल की तो होंगी नहीं ज़्यादा होंगी, ऐसे नॉर्मली बोल रही है 60 साल की हूँ, बट साल 60 साल बना आपका 60 साल मतलब 60 साल भी नहीं बना, तो सरकार के मतलब जो सरकार पैसा देता है वो भी नहीं मिलता होगा, क्यों 60 साल में पैसा मिलता ना, बट जब बना ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। अपना मतलब जो हमारे घर मतलब घर में जो बड़े पापा और होते हैं ना उन्होंने एक डॉगी पाल रखा है, तो मैं दिखाता हूँ उस डॉगी को, बट नाम कुछ नहीं है बट ऐसे ही बोल 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 बोल। तो गाइस फाइनली ये रहा, क्या नाम है इसको है, हेलो नाम बता इसका नाम यार, इस भाई को पता है ये हमारे बड़े पापा का लड़का है ना, एक्चुअली इसको पता है इसका नाम, देना कैसे देख रहा भाई, दौड़ियो मत खतरनाक लग रहा बंदा। हाँ नाम बता यार, कैमरा चालू है बोल ही नहीं रहा यार कुछ। ओ भाई, और गाइस उधर आ रखा है ढोलक वाला, तो उधर महिला हो रहा है यार, गांव के बंदे उधर क्या ही वीडियो बनाना। ये बंदा बैठा हुआ देखो कहाँ पे, खंबे के पास बीच रोड पे, इधर भी रोड है और बैठा हुआ है वहाँ पे मज़े से, देखना इधर भी रोड ही रोड है, फ़ोन चला रहा, चल दिया भाई चल दिया। ये हमारे गांव में भी आ रखा है ढोलक वाला, बट वो जो ढोलक जो बेचते हैं ना और जो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा देखते हो कैसे ही मतलब कारीगर है, मतलब ढोलक के जो मतलब बजाते ना ढोल वगैरह
वो सब ये बनाते हैं, तभी मैं दिखाता हूँ आप सबको, देखो कैसे क्या करते हैं। कौन सी खाल होगी इसमें? बकरे की खाल। बकरे की खाल होगी गाइस, मतलब बकरे की, बकरे की खाल मतलब चढ़ाएंगे इसमें। सही सही, तो मैं दिखाता हूँ गाइस, तो देखो कैसे कैसे करते हैं। बस 7:30 बजे वीडियो अपलोड होता है मेरी। अपना नाम बता सकते हैं एक बार? अरुण। अच्छा, देखो गाइस कैसे कैसे कर रहे अभी। बड़े गाइस ज्यादा शहर में जाते हो आप? शहर में? अच्छा, कहाँ तक वैसे कहाँ तक गए हो? और ये हमारे गांव के जैसे हमारे आस पड़ोस के भाई लगते हैं हमारे। बाकी देखने वाले इधर देखो कितने सारे बंदे हैं। काम सही करना भाई, ठीक है। वीडियो बहुत बंदे देखते हैं, वीडियो बहुत बंदे देखते हैं। ना वीडियो तो वायरल है, वीडियो बहुत जल्दी वायरल होती है हमारी, वीडियो से वायरल। यानी फुल कलाकार हो आप? नहीं नहीं यार, ये सब बंद बोलो, क्यों लेडीज भी वीडियो देखती है ना, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं वीडियो। अपने इंडिया में नहीं चलते वीडियो, बहुत दूसरे देश में वीडियो देखे जाते हैं ये। क्योंकि गांव में किसी को बंदे को पता नहीं होता ना ये सब चीज़ें। इंडिया में सबको पता है, इंडिया में गांव के जो बंदे होते हैं उनको नहीं पता है, जो शहर के लोग हैं उन्हें पता है। ये भाई हमारी आईडी सर्च करेंगे, चरण सब्सक्राइब कर लेना ठीक है यार, चरण हमारा एक सब्सक्राइबर और बढ़ जाएगा। अभी हम आ रखे अपने घर के बाहर मस्त घूमने, तो ये अपना दोस्त रहा। हा? ये तो मतलब अपने चाचा का लड़का है, मतलब भाई। चलो ऐसे वो आधा घंटा में बात करा दूँ, ठीक है, थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा घर बात कर रहा है। तो मस्त व्यू एकदम, रुको दिखाता हूँ मैं। भाई सूरज एकदम डूब रहा है और बाइक बंदा लेके जा रहा उधर, और इधर है खेत वूत देख सकते हो, और इधर मतलब ये जहाँ क्या बोलते हैं थोड़े पेड़ उड़े हैं, और इधर इस साइड से मतलब मुड़ के इधर हमारा गांव है यहाँ पे। और अभी हमने माय फर्स्ट ब्लॉग कहाँ से, हमने इस पे माय फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था, देखा होगा आप सबने, ऐसा कुछ व्यू होगा। और बस इधर ये मतलब हमारे गाँव का ना छोटा सा बस यही है पुल, लेकिन व्यू काफ़ी शानदार आ जाता है। और इन साइड तो गांव है हमारा, तो मैंने बताया, बस कुछ ऐसा मतलब नज़ारा है बस। टाइम कितने टॉप पे आ रखे हैं, मस्त जगह पे, मतलब बहुत अच्छी जगह पे आ रखे हैं, तो रुको दिखाता हूँ यार, बहुत अच्छी जगह। वो इधर एकदम मस्त ऐसा है, और ऐसा मतलब मौसम है, शाम का मौसम है। ये रहा अपना भाई, और इधर देखो मस्त एकदम एरिया है, ये देखो इधर खुले जानवर बहुत घूमते हैं गाइस, मैंने दिक्कत यह है, मरगोद नहीं हुई मर के ही नहीं। अभी देखो वहाँ पे मतलब जो गांव का जो मैंने दिखा था ना पुल, वहाँ पे मतलब उधर से घूम के आ सके हम, और वहाँ पे देखो पूरा सूखा पड़ा है, इधर देखो पूरा सूखा पड़ा है, पानी है ही नहीं, पानी चल ही नहीं रहा इसमें। कुछ बंदे उधर बैठे हुए हैं, और ये देखो टेढ़ा मेढ़ा इधर को गया है, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे, पता नहीं बंदे बात कर रहे हैं। चलो बताए, मतलब गांव के बाहर जैसे घूमने फिरने में ना काफ़ी मस्त लगता है, ये तो बात है। हाँ? अच्छा वो लगता है शाम के टाइम, इन दिन में तो गर्मी वहाँ लेस लेवल होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और शाम को घूमने बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गाइस ये मतलब कोई जैसे गांव में मर जाता है ना, तो वह बंद करे ना, वही बनते, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं मुझे पता नहीं। इधर रोड है, हम जा रहे घर अब।